दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय वर्ल्ड क्लास निद्रा मैट्रेसेस। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। सीएम से बोले पंचायत प्रतिनिधि, सिर्फ 2 घंटे खुले दुकानें, गांव में हरगिज ना चले गाड़ियां। हिमाचल में 30,528 लोग होम आइसोलेशन में, आधिकारिक आंकड़े से ज्यादा हो सकती है संख्या। होम आइसोलेटेड लोगों का हाल जानने उनके घर पहुंच गए स्वास्थ्य मंत्री, कांगड़ा जिला के हालात जांचे। बिलासपुर एम्स को कोविड केंद्र बनाए सरकार, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की मांग, 76 डॉक्टरों की सेवाओं का करे सही इस्तेमाल। 3.5 महीने बाद सऊदी अरब से पहुंचा शव, मुस्लिम कहकर कर दिया था दफन। ऑनलाइन स्कूली पढ़ाई और होगी मजबूत, शिक्षा निदेशालय ने उच्च अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। हिमाचल में 2 दिन बारिश के साथ बरसेंगे ओले, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से वर्चुअल संवाद के दौरान नवनिर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों ने गुहार लगाई है कि राज्य में लॉकडाउन और सख्त होना चाहिए। सीएम ने भी उनसे कुछ मदद मांगी है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के हालात पर सीएम से वर्चुअली जुड़े पंचायत प्रधान ने हिमाचल प्रदेश में और सख्त बंदिशों की डिमांड की है। पंचायत प्रधानों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के साथ ही दुकानों के खुलने का समय 3 के बजाय 2 घंटे करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट वाहनों की आवाजाही पर भी पूर्णतः रोक लगाने का आग्रह किया है। प्रदेश भर के प्रधानों की फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि होम आइसोलेशन में रखे मरीजों की तबीयत खराब होने पर अस्पताल पहुंच जाने का तुरंत प्रावधान होना चाहिए। ऐसे मरीजों को बेहतर परिवहन सुविधा दी जानी चाहिए, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के नुमाइंदों को भी अहम मदद करनी होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से विवाह समारोह के दौरान सख्त निगरानी रखने का आग्रह करते हुए कहा कि कुछ लोग मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि सुनिश्चित करे कि ऐसे समारोहों में केवल 20 लोग ही उपस्थित हों। कर रहे हैं, लेकिन इस सक्रियता को आप कायम रखिए, बनाए रखिए, और जितने भी इस तरह हमारे कोविड के केसेस अगर गांव में आ रहे हैं उनको, उनका ख्याल भी रखिए, और ख्याल के साथ साथ में इस संक्रमण को रोकने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है कि कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू के बावजूद भी हम जो है अनावश्यक रूप से न किसी को आने दें न जाने दें, भीड़ और भीड़ के साथ साथ में सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार से हमारा आना जाना बने रहना वो एक बहुत बड़ा संक्रमण का कारण बनता है। इसलिए मेरा आप सबसे इस बात के लिए निवेदन है कि आप पंचायत के चुने वो प्रतिनिधि अपनी पंचायत में तय करो, जब शक्ति है तो कर्फ्यू लगा है तो उस कर्फ्यू के नियम का पालन करते हुए हम तय करेंगे हम बाजार में अनावश्यक रूप से नहीं जाएंगे। और उसके बाद उसके साथ साथ में विशेष तौर से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको तो बिल्कुल ही हमको आग्रह पूर्वक रोकना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए।
कोविड पर लगाम लगाने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य मंत्री होम आइसोलेटेड लोगों से मिलने उनके घर तक जा पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आज धर्मशाला में उपायुक्त कांगड़ा, प्रिंसिपल टांडा मेडिकल कॉलेज और सीएमओ कांगड़ा के साथ बैठक कर कांगड़ा जिला में कोविड की स्थिति का जायजा लिया। यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के घर जाकर उनका हाल भी जाना। उन्होंने मरीजों से बातचीत की और उन्हें मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने दाढ़ी स्थित टीकाकरण सेंटर का भी निरीक्षण किया। इसके बाद वह राधा स्वामी सत्संग भवन परोर स्थित मेकशिफ्ट अस्पताल पहुंचे और वहां तैयारियों का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने पपरोला आयुर्वेदिक कॉलेज में भी स्थिति जांची और जिला के अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को किसी भी हाल में कोई समस्या न आए, इसके लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। बहुत संकट का समय है और कोविड के केसेस हिमाचल प्रदेश में भी अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में संक्रमित रोगियों के आ जाने से नई व्यवस्थाएं जो हैं वो खड़ी करनी पड़ रही हैं। बेड स्ट्रेंथ को बढ़ाने का प्रयास जो है वो हो रहा है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार को विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बिलासपुर में निर्मित एम्स को कोविड केंद्र के तौर पर उपयोग करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से इस अस्पताल में 76 डॉक्टरों की सेवाओं का सदुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बिलासपुर जिला अस्पताल व घुमारवी अस्पताल को कोविड केंद्र बनाए जाने से आम रोगियों को आ रही मुश्किलों पर भी चिंता जताई। बिलासपुर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों से वर्चुअल बैठक में जिला की कोविड स्थिति की जानकारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी द्वारा शुरू की गई गांधी हेल्पलाइन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या परिवार को जो भी मदद चाहिए होगी वह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरों के साथ साथ अब संक्रमण गांव में भी फैल रहा है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सऊदी अरब में मुस्लिम समझकर दफना दिया गया ऊना के संजीव शर्मा का शव आज उनके पैतृक नगर पहुंचा, जिसके बाद देह का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऊना शहर के गुरुसर मोहल्ला निवासी संजीव शर्मा का शव 3.5 माह के बाद सऊदी अरब से यहां लाया गया। इसके बाद विधि विधान के साथ शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संजीव शर्मा की तीनों बेटियों ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। गौरतलब है कि संजीव कुमार शर्मा पिछले 23 वर्षों से सऊदी अरब में नौकरी कर रहे थे। इस बीच 24 जनवरी 2021 को सऊदी अरब में ही उनका निधन हो गया था। संजीव की मौत की खबर मिलने के बाद गमगीन परिवार ने शव को भारत लाने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच 18 फरवरी 2021 को सऊदी अरब में संजीव के शव पर मुस्लिम का टैग लगाकर उन्हें दफन कर दिया गया। मामले की सूचना परिवार को मिलते ही परिजनों ने शव भारत लाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के समक्ष बात उठाई, लेकिन समय बीतने के साथ जब शव को भारत लाए जाने की संभावना क्षीण होती हुई थी तो उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अंततः स्थानीय प्रशासन के प्रयासों और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आज शव ऊना पहुंच पाया। सर, मेरे फादर की डेथ 24 जनवरी को हुई थी, 18 फरवरी को उनको बरी कर दिया गया था। हमारे बिना कंसेंट से हमें कुछ नहीं बताया गया था। उसके बाद से 4 महीने हो गए हैं, हम केस एक दिल्ली हाई कोर्ट में हमने केस किया था और आज हम हमारी बॉडी वापस आई है। हमने अभी हिंदू रीति रिवाज से जैसा हम चाहते थे वैसे संस्कार किया है। पर इस बीच में मैं ये मतलब क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि 4 महीने बाद हमें मिला क्या है। पर स्टिल अगर मैं ये चाहती हूँ, गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि आगे से ऐसा किसी के साथ ना हो। एक आई वॉच, एक लॉ ऐसे होने चाहिए ताकि हमने सफर किया कोई और सफर ना करे। कोरोना काल में सरकारी छात्रों की ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए नए इंतजाम किए गए हैं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 9 लाख छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई पर अब शिक्षा विभाग के 6 अधिकारी नजर रखेंगे।
उच्च शिक्षा निदेशक ने हर घर पाठशाला के तहत होने वाली छात्रों की पढ़ाई के लिए संयुक्त निदेशकों की ड्यूटी लगाई है। उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक प्रमोद शर्मा को 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का नोडल ऑफिसर बनाया गया है। वहीं ज्वाइंट डायरेक्टर हितेश आजाद को 1ली से 8वीं तक के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई पर नोडल अधिकारी तैनात किया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने और भी अधिकारियों को जिलावार चार्ज दिया है, जिसमें अशित कुमार मिश्रा को हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर व चंबा जिला दिया है। हरीश कुमार ज्वाइंट डायरेक्टर उच्च शिक्षा को सिरमौर, सोलन, ऊना व कुल्लू जिला सौंपा गया है। डॉक्टर अंजू शर्मा को शिमला, किन्नौर, मंडी व लाहौल स्पीति का चार्ज दिया गया है। ये अधिकारी अपने जिलों से ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता और कंटेंट संबंधी रिपोर्ट दैनिक आधार पर ऊपर भेजेंगे। इसके अलावा समग्र शिक्षा विभाग ने अनिमा शर्मा को व्हाट्सएप लिंक शेयर और स्वयं सिद्धिम पोर्टल अपडेट करने के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया है। इस बाबत आज उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर को इस प्रक्रिया का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है, जो पूरे प्रदेश के ऑनलाइन ई लर्निंग सिस्टम पर नजर रखेंगे। आने वाले दो दिनों में हिमाचल मौसम की बेरुखी का सामना करेगा। मौसम विभाग ने इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पेश है ये वेदर रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आने वाले दो दिनों के दौरान भारी बारिश व ओलावृष्टि होगी। इसके लिए मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन दो दिनों के दौरान शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर व चंबा में मौसम कड़े तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार मैदानी इलाकों में 15 मई के बाद मौसम साफ बना रहेगा। वहीं पहाड़ों पर भी 17 व 18 मई को मौसम साफ बना रहेगा। उधर प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रों में बुधवार को दोपहर तक मौसम साफ बना रहा, मगर राज्य के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दोपहर बाद शीत लहरों के प्रवाह के साथ भारी बारिश हुई। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी सूचना है। बारिश होने से शिमला, कल्पा, धर्मशाला, नाहन व सोलन के अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दो दिनों के दौरान भारी बारिश व ओलावृष्टि होगी। और अब चलते हिमाचल में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगा टीका। सीरम इंस्टीट्यूट ने भेजी वैक्सीन की 1 लाख से ज्यादा डोज। उत्कृष्ट सेवा पर नवाजे पुलिस जवान, पौंटा साहिब थाना पहुंचे बड़े अफसर ने खूब थपथपाई पीठ। नेरचौक मेडिकल कॉलेज ने कैंसिल किया रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर, कंपनी के रेट बढ़ाने पर लिया फैसला। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।